नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केट में हम लगातार देख रहे हैं कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, थोड़ा थोड़ा करके कंसोलिडेशन हो रहा है। और पिछले कई हफ्तों में हमने देखा, पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि कई कैश के शेयर्स और इवन थोड़े फ्रंटलाइन शेयर्स में अच्छे रिटर्न्स आए हैं, तो वो काफ़ी हद तक ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स में वापस। तो एक तरह से काफ़ी मूड और सेंटिमेंट डेफिनेटली इम्प्रूव हो रहा है, धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। और एक बहुत अच्छा समय है कि जो भी कैश अब बाकी बचा हुआ है किसी के पोर्टफोलियो में, उसको अच्छे से अच्छे और जल्दी से जल्दी डिप्लॉय किया जाए। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं स्टॉक आइडियाज़, और आज मैं जो स्टॉक आइडिया डिस्कस करूँगा उसका नाम है भारत फोर्ज। और भारत फोर्ज ट्रेडिशनली इनके जो फोर्जिंग के कंपोनेंट्स हैं वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ होते थे और हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। और साथ में भारत में भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट खास करके US में इनका बहुत अच्छा प्रेजेंस है। और पिछले कई सालों से डिफेंस में भी इन्होंने अच्छा फोरे किया है, और लेटली एरोस्पेस एक और इन्होंने इनकी एक और ग्रोथ का इंजन नाम मिला है कि एरोस्पेस में भी काफ़ी इनके अब फोर्ज्ड कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो तीनों क्षेत्रों में काफ़ी ग्रोथ है। इनफैक्ट अब इस मार्केट में भी देखें तो ऑटो और डिफेंस थोड़े से डिफेंसिव स्टॉक्स रहे, कम टूटे। और ऑटो में तो खास करके काफ़ी अच्छी पकड़ है, अगर आप ग्रोथ देखें तो चाहे कमर्शियल व्हीकल हो या पैसेंजर व्हीकल्स हो, अच्छी खासी ग्रोथ भी आ रही है। 14% की ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल्स में रही है पिछले साल, और 25% की ग्रोथ पैसेंजर व्हीकल्स में रही है। उस कारण इस पूरी मंदी के दौर में ऑटो शेयर्स काफ़ी अच्छे रहे, काफ़ी कम टूटे। और वापसी में जैसे जैसे कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, वो दोबारा अपने एक अच्छे मोमेंटम में आ रहे हैं, चाहे M&M की बात करें या मारुति की। तो ऑटो एक सेक्टर एसेटेज अच्छा कर रहा है। इसमें जो दिक्कत आई है इनकी, शेयर प्राइस में भी थोड़ा प्रेशर रहा क्योंकि इनकी मार्जिन्स पर प्रेशर रहा, वो क्योंकि जो कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादातर स्टील और या एलुमिनियम से बनते हैं। अब जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस में एक स्टीप प्राइस आया तो उसके कारण उन पर प्रेशर बना, और थोड़ा बहुत सब यूटिलाइजेशन के भी इश्यूज रहे, सिर्फ 72% कैपेसिटी यूटिलाइज कर सके, तो उस कारण भी थोड़ा बहुत प्रेशर रहा। और जो सप्लाई चेन है उसमें भी प्रेशर के कारण इनका थोड़ा बहुत मार्जिन और परफॉर्मेंस में इफेक्ट रहा है। मेरा मानना है कि ये काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया है, इन्होंने रिसेंटली प्राइस हाइक भी इनिशिएट किया है। तो जो कंपोनेंट में मटेरियल्स के कारण जो प्राइस हाइक हुआ है वो ये प्राइस हाइक के बाद पास ऑन कर सकेंगे अपने यूज़र्स को, तो वो इस तरह मार्जिन काफ़ी इम्प्रूव वापस इम्प्रूव होना चाहिए। और जो काफ़ी सप्लाई चेन के और इनके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के इश्यूज हैं वो भी अब रिजॉल्व कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस तिमाही के बाद इनके परफॉर्मेंस ओवरऑल प्लस मार्जिन्स में दोबारा से एक अच्छा मोमेंटम आएगा। इन्होंने हाल ही में अच्छे ऑर्डर्स भी लिए, एक डिफेंस से भी इनको काफ़ी अच्छा 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है कल्याणी एम व्हीकल का, तो वो कल्याणी M4 व्हीकल्स का, तो वो भी एक तरह से आप देख रहे हैं कि तीनों सेक्टर्स में बहुत अच्छा स्कोप है। PLI स्कीम भी है इनके लिए, आत्मनिर्भर भारत में भी इनका हिस्सा आता है, और PLI स्कीम के कारण ने काफ़ी अच्छा रैंप अप कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी, जिसका यूज़ तीनों जगह पे होगा, एरोस्पेस में भी, डिफेंस में भी और ऑटो में भी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से भी इनके ऑर्डर्स अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो तीनों में इनका अच्छा है। और जो गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए, उसमें इनके जो बिल्कुल इनका जो फोकस आता है फोर्जिंग फॉर ऑटोमोबाइल का, डिफेंस एंड एरोस्पेस, तीनों सेक्टर्स फेवरेबल हैं और गवर्नमेंट के भी फोकस में है। उसमें जो PLI स्कीम का भी इनको, जैसे मैंने बताया, अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनका है यहाँ से काफ़ी सेफ है, स्टॉक थोड़ा करेक्ट भी कर चुका है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, डेट इक्विटी 0.8 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से भी ज़्यादा है।
तो काफ़ी फेवरेबल रिटर्न रेशियोज हैं, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और 40 का EPS का अनुमान है FY23 का। ज़्यादातर इनका 20 से 25 की डिस्काउंटिंग मिलती है, तो अगर आप 22 की डिस्काउंटिंग दें तो 880 का एक भाव आता है अगले साल की अर्निंग्स को देखकर, और अभी 650 रुपीज़ के आसपास इनका ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है ऊपर जाने का, काफ़ी अच्छा 35-40% स्कोप है ऊपर जाने का इस शेयर प्राइस में, जो कि मेरे मुताबिक मार्च 2023 से पहले होना चाहिए। तो अगले 9 महीनों में ही 35% के करीब अपसाइड पोटेंशियल है। डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, क्योंकि काफ़ी वेल इस्टेब्लिश कंपनी है और जैसे मैंने बताया है कि जिस सेक्टर्स को ये केटर कर रहे हैं उनमें गवर्नमेंट का भी फोरा फोकस है आत्मनिर्भर का, और PLI स्कीम का भी उनको एडवांटेज मिल रहा है, और काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट और लोकल मार्केट दोनों में केटर करते हैं, तो उनका काफ़ी अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड और रिस्क है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो मेरे मुताबिक एक तरह से ये काफ़ी फ्रंट लाइन ऑटो एसोसिएशन माना जाता है, तो इसमें आप बड़े कॉन्फिडेंटली परचेज कर सकते हैं, और मेरे मुताबिक 35% अपसाइड पोटेंशियल आपको 9 महीने में मिलना चाहिए, जो कि एनालाइज किया जाए तो 45-50% अपसाइड पोटेंशियल देता है एनालाइज बेसिस पे ये स्टॉक। तो इसको ज़रूर खरीदारी करें और मैं उम्मीद करूँगा कि आपका ये निवेश आपको एक अच्छा मुनाफा दे के जाएगा जल्दी से जल्दी। मेरा YouTube चैनल देखने के लिए शुक्रिया, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। आप ये जो सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इसमें आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें या कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस देना चाहें हमारे से, तो आप बेझिझक होकर इस पर फ़ोन करिए, और अगर कोई भी सर्विस हम दे सकें तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।